हेलो गाइस, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच सी एक्स। क्या हाल चाल है जी आप सबके? तो आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है जनाब BTS टिकटॉक एडिट्स डेट हिट्स डिफरेंट पार्ट 22। बैंक 10 टीवी की तरफ से है, और जैसा आप जानते हैं जी कि आज है फ्राइडे, और फ्राइडे को जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं तो वो होती हैं रिक्वेस्टेड। तो हमें रिक्वेस्ट ये आई थी बेसिकली कि और ज़्यादा BTS के टिकटॉक पे एडिट करें, तो कोई स्पेसिफिक टाइटल नहीं था, कोई लिंक नहीं था, तो हमने सर्च किया जो पहले वीडियो आई उसी पे रिएक्ट करेंगे हम। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ओपिनियन अपना पेश करेंगे। शुरू करते हैं, 3 2 1 एन। ट्रांजिशंस भाई, ये सॉन्ग हमने सुना हुआ है शायद। इंटेंसिटी परफॉर्मेंस की देखें, स्वेट जितना आया हुआ है। एब्स फ्लेक्सिंग हो रही है भाई। अच्छा, अब तक जितने हमने टिकटॉक्स देखे हैं या कंपाइलेशन देखे हैं उनसे डिफरेंट है ये। और सारे फैन मेड हैं ना, साउंड्स डिफरेंट आ रही हैं। ओहो, डोले शोले बने हुए हैं भाई। I'll be that young rapping dude, might just trap with you, coming with the thunder baby. It's okay after all. मुझे क्यों लग रहा है कि ये पीछे जो डायलॉग था वो ड्रैगन बॉल सुपर से था। Come with umbrellas, 2018 in that Porsche Corolla. New York out, rats in a quarter ounce. I want to jump down for me. I'm on it, I'm on it. Different traits of personality bhai ek hi clip mein. Sahi hai. I can keep a secret, kid. You got my mind on your body and your body on my mind. जो हिंदी टिकटॉक देखे थे ना, मुझे पर्सनली वो ज़्यादा बेहतर लगे थे इन कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि ये रैंडम क्लिप्स हैं ना, शायद इस वजह से भी फील हो रहा है। ये क्लिप मज़ेदार है, इसमें बॉडी मूवमेंट्स और ऑडियो का तालमेल बिल्कुल ठीक है। इस तरह के क्लिप्स चाहिए ना हमें। यार ये क्या था? सॉन्ग है, कोई सीरीज थी? वैसे इनका लीड कोरियोग्राफर कौन है यार? कोई आर्मी में से ये तो बताओ, ये स्टेप्स सारे कौन डिफाइन करता है?
जी, तो डिफरेंट थे अब तक के जितने भी हमने BTS के कंपाइलेशन देखे हैं, उनसे थोड़ा डिफरेंट था। या तो हमने सारे वो देखे थे जिसमें इंग्लिश मिक्स था, या इंग्लिश हिंदी मिक्स देखा हमने, या फिर सिर्फ हिंदी वाले देखे। तो उसमें जितने भी थे, या शायद हमारी अब तक ये कह लें कि था कि हमें लोग रिकमेंड कर देते थे, तो वो क्लिप वन ऑफ द बेस्ट होता था। तो इसमें यह था कि बहुत सारे क्लिप्स अच्छे भी थे, बहुत सारे मीडियोकर थे, BTS को लेकर नहीं, बनाने वालों को लेकर। क्योंकि उसमें जो है ना, ऑडियो और बीट के साथ जो मूवमेंट्स थी, ट्रांजिशंस थी, वो मिसमैच हो रही थी कहीं कहीं पे। बाकी ओवरऑल तो जनाब अच्छा था। और जिमिन की तो क्या ही बात है भाई, जिमिन जो है वो एक अच्छे वोकलिस्ट हैं, एक अच्छे मॉडल है, अच्छा ह्यूमर है उनका। और जो भी अभी तक हमने उन पे गेटअप देखा है ना, कोई भी आउटफिट है, वो बेहतरीन है भाई। ऐसे लगता है बने ही जिमिन के लिए। तो कलर मैचिंग और हर लिहाज से, कंट्रास्ट हर बेहतरीन, अब कहूँगा ना बेहतरीन के भी ऊपर अगर कोई वर्ड होता है तो वो लगा दो अपनी अपनी लैंग्वेज में, जो भी होता है। अच्छा वीडियो था। और बस वो थोड़ा सा एक एलिमेंट जो मुझे बार बार थ्रू आउट द वीडियो डिस्टर्ब कर रहा था, वो यही कि बीट के साथ तालमेल अच्छा होता तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस बन जाता। तो ये मेरा ओपिनियन है, आई होप सबका ऐसा नहीं होगा। मेरा ओपिनियन ये है कि इसमें कहीं कहीं पे जो है ना, नोट्स के साथ मूवमेंट लैग कर रही थी। तो वो जाहिर सी बात है, जिन्होंने बनाया होगा उनका अपना एक वे ऑफ स्टाइल होगा, लेकिन मुझे वो पसंद है जिसमें जो है ना, कोरियोग्राफी जो है वो बिल्कुल मैच कर रही हो आपकी ट्रांजिशन और आपकी बीट के साथ। तो वो बड़ा अच्छा लगता है देख के। तो आई होप आपको भी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए, मैंने ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है अपना, तो पसंद आया तो जनाब लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमें जो बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस हैं वो आप जनाब सजेस्ट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे उन पे रिएक्ट करने की। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।